प्यारे बच्चों, वेलकम टू द थानी क्लासेस। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के शॉर्ट नोट्स पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। देर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं इसके अंदर। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानि कि जो मास होता है, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इन केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। यानी कि कोई भी एलिमेंट है एक डेफिनेट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा बाय मास के फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन अमोनिया, अमोनिया में देखें जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला NH3 होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3 बाय मास। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। एंड हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 3, क्योंकि इसके मोलिकुलर फॉर्मूला में NH3 होता है तो 3 हाइड्रोजन मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो 14:3 बाय मास, वट एवर द सोर्स फॉर्म इज ऑब्टेंड। सोर्स जिससे ये ऑब्टेंड हो रहा है वो कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसका रेशियो बाय मास सेम रहेगा, 14:3, दैट इज कंजर्व्ड। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल मैटर एंड एन एलिमेंट कंपाउंड और अ मिक्सचर कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि हम अगर किसी गिवन एलिमेंट का हम एटम देखेंगे तो वो मास में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसा रहेगा? सिमिलर रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि एलिमेंट ही अलग अलग आ गए तो उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे। एटम्स कंबाइन इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी कि हम एटम को एक ऐसी रेशो में कंबाइन करते हैं स्मॉल होल नंबर्स में जो कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी कि किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम के नंबर हैं या उनका काइंड है वो कांस्टेंट रहता है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। ठीक है, नैनोमीटर में हम एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं। डाल्टन ने सबसे पहले टर्म दी थी, यूज़ किया था सिंबल को एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, बर्जीलियस गिव्स टू लेटर ऑफ नेम ऑफ दैट एलिमेंट सिंबल। एटॉमिक मास यूनिट को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन मॉडर्न डे में अब IUPAC के तहत हम इसको किस में यूज़ कर रहे हैं? यू की फॉर्म में, यू की हमने इसको नेम किया। यू क्या होता है? यू इज़ डिफाइंड एज यूनिफाइड मास इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, इनिशियली हम क्या शुरुआत में हम क्या लेते थे? 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम लेते थे, नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन 1961 में फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट C12 आइसोटोप चूज एज स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। यानी कि एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए 1/16 की जगह अब हम 1/12 का यूज़ करते हैं, C12 हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज एवरेज मास ऑफ एन एटम एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स, यानी कि ज़्यादातर एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली सो फॉर्म मोलिक्यूल्स एंड आयंस। जो वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते तो वो क्या बना लेते हैं? अपने आयंस बना लेते हैं या मोलिक्यूल बना लेते हैं। दीज मोलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इकट्ठे हो जाते हैं लार्ज नंबर में और ये बना लेते हैं मैटर दैट वी कैन सी फील और टच। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर की 3 फॉर्म होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग से ले सकते हैं, मैंने उसके भी शॉर्ट नोट्स बना रखे पॉइंट बाय पॉइंट, आपको जल्दी कम समय में पूरा चैप्टर मिल जाएगा वहाँ से।
नेक्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. एटम जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता लेकिन मॉलिक्यूल रखता है और सारी प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की शो करने की कैपेबिलिटी भी रखता है. द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज जस्ट एटोमिसिटी, यानी कि मॉलिक्यूल के पास कितने एटम है वही इसकी एटोमिसिटी कहलाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार स्पीशीज. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज चार स्पीशीज आर आयंस एंड कैन बी पॉजिटिवली. अब चार्ज कैसा भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है और नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है. अगर चार्ज नेगेटिव है तो हम उसको एनायन बोलेंगे, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो कैटायन बोलेंगे. ठीक है, कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, यानी कि उस एलिमेंट के पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी पावर है जो वो उठा सकता है, उसे हम वैलेंसी बोलेंगे उसकी. ठीक है, रूल्स दैट फॉलो वाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, यानी कि हमें कोई केमिकल फार्मूला लिखना है तो उसके लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, द वैलेंसीज और चार्जेस और आयंस मस्ट बैलेंस, यानी कि जो उसकी वैलेंसी है या कोई चार्ज है उसके ऊपर या उन आयंस वो बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल द नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट, यानी कि उसका नाम और सिंबल पहले लिखना पड़ेगा. पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करेंगे तो आयंस आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, उन सभी एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का हम सम कर देंगे, टोटल कर देंगे. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स यू. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मूला यूनिट इज द सेम एज मॉलिक्यूलर मास बट द डिफरेंस इज यूज्ड वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस. ठीक है, हम यूनिट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, वर्ड फार्मूला यूज़ कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की जगह, लेकिन मॉलिक्यूलर मास की जगह सेम ही है ये. ऐसा हम एग्जैक्ट एग्जांपल लेके देखते हैं. फॉर एग्जांपल NaCl, वन मोल ऑफ एनी स्पीशीज, हम किसी भी स्पीशीज का एक मोल ले रहे हैं, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयंस और पार्टिकल्स, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. वन यू ये उसके ग्राम के इक्वल है, वन ग्राम के. 16 यू, यू कैसा एटॉमिक मास यूनिट्स की मेजरिंग यूनिट है. ऑक्सीजन हैज़ ओनली वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज़ वन मोल ऑफ एटम्स. ठीक है, दैट इज एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, वन यू इज इक्वल टू वन ग्राम इज इक्वल टू वन एनी एंड नोट एवोगाड्रो नंबर. ठीक है, एक मोल में 6 × 10⁻²³ नंबर होते हैं इक्वल टू रिलेटिव मास इन ग्राम्स. ओसवर्ल्ड ने इंट्रोड्यूस करी थी टर्म मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एन इज इक्वल टू एन बाय एन नोट. ठीक है, एन क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया, और एन नोट क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर हो गया. ये सारे टर्म्स आपकी एक न्यूमेरिकल में काम आएंगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर एंड नोट एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 × 10⁻²³. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू एंड नोट. तो इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट के और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं. ओ थ्री क्या होता है, ओजोन होता है. ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो उसके रिएक्टेंट हैं और जो वो फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट की, उनके जो मास हैं वो सेम रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एटम अपनी इंडिपेंडेंसी एग्जिस्टेंस रखते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं और अपनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज रिटेन करके रखते हैं. मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, क्लस्टर्स ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज आयंस आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस.
they carry a fixed charge on them. Mass of one mole of a substance is called as molar mass. ठीक है, एक mole of substance का mass molar mass होता है. ठीक है, atoms exist करते हैं, इंडिपेंडेंस नेचर रखते हैं अपनी. ठीक है, और वैसे ज़्यादातर एटम कुछ हीलियम गैसेस वगैरह होती है, वो उड़ जाती है, नहीं रह पाती है मोस्ट मोलिक्यूल्स की इंडिपेंडेंट, वो मोलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाती है. थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माय वीडियो. और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए. अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ चैप्टर 4 के साथ, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. थैंक यू.